राम राम जी सारे ने, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो बिगनर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कुर्ती के बैक पार्ट को हम उठा के कटिंग करते हैं तो उसमें बाजू को कैसे चढ़ाएं, और साथ में मैं आपको इसमें बताऊंगी किस साइज में हम उठा के कटिंग करते हैं और किस साइज में हम नहीं उठा के कटिंग करते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो ये देखिए, जैसे हम सिंपल कुर्ती में निशान लगाते हैं, मैंने सेम वैसे ही निशान लगा लिए हैं। और मैंने क्या निशान नहीं लगाया इसमें, फ्रंट क्रॉस और तीरे का मैंने निशान नहीं लगाया। तो पहले हम क्या करेंगे, तीरे का निशान लगाएंगे। जितना भी आपका तीरा आप रखते हो उतना निशान लगा लें। तो ये मैंने लगा लिया और यहाँ पे मैं फ्रंट क्रॉस का भी निशान लगा लूँगी। अभी निशानों को यहाँ से आप इसमें मिला देंगे। मिलाने के बाद अब ये देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूँ कि हम कंधे को डाउन क्यों करते हैं और अगर हम बैक को उठा के कटिंग करते हैं तो वो किस लिए करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब हम कंधे को यहाँ से डाउन करते हैं तो उसका रीज़न ये होता है कि हमारे शोल्डर नाड़े। तो अब यहाँ से मैं कंधे को हाफ इंच डाउन करूँगी और यहाँ से मैं ढाई इंच पे निशान लगाऊँगी। ये मैं आपको कुर्ती या सूट कटिंग करती हूँ हर वीडियो में आपको बताती हूँ इस तरह से। अब ये देखिए, जो मैंने यहाँ से हाफ इंच कंधे को डाउन किया है, ये मैंने इसलिए किया है कि यहाँ से हमारी कंधे ना गिरे। तो यहाँ पर साथ में ही हम बैक क्रॉस का भी निशान लगा लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ भी इसको इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ से हम आर्महोल का सेंटर ले लेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम शेप देंगे ऐसे। ऐसे शेप देने के बाद अब ये देख ले, यहाँ से ना हमारी अपर चेस्ट और चेस्ट में फर्क आता है। कई बार फर्क आता है और कई बार नहीं आता। जैसे कि अब मैंने ये कुर्ती के निशान लगाए हैं तो यहाँ से ये 40 है, तो यहाँ से भी ये 40 ही है क्योंकि ये मैंने सीधी इस तरह से मिलाई हुई है चेस्ट। तो इसमें हम बैक को भी और फ्रंट को भी यहाँ से दोनों को डाउन कर सकते हैं, इसमें हमें बैक को उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ से ये मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ सीधा निशान लगाया है, वैसे इसकी चेस्ट है जो इसमें 2 इंच का फर्क है। तो यहाँ पर देखिए, अब जो ये मैंने निशान लगाया, अगर किसी की चेस्ट यहाँ पर हैवी है, जैसे कि ऊपर की है 40 और नीचे की है 44, तो उसमें हम बैक को उठा के कटिंग करेंगे। उसमें बैक को उठा के क्यों कटिंग करेंगे, क्योंकि जो उसकी बस्ट है ना वो हैवी है, और हैवी बस्ट के कारण उसका गला जो पीछे की तरफ जाएगा, गला हमारा पीछे की तरफ ना जाए, इसलिए हम बैक को ऊपर से उठा के कटिंग करते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आया मैंने कैसे समझाया। तो अब जो मैंने ये निशान लगाया है, यही निशान पर मैं इसको कुर्ती को कटिंग कर लेती हूँ, और बैक के साथ मैं आपको बताती हूँ कि मैं बैक को उठा के कटिंग करती हूँ। जो आपको समझ में नहीं आता तो मैं उसको अच्छे से आपको समझाऊँगी कि बाजू आप कैसे चढ़ा सकते हो। तो ये देखिए, मैंने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर इस तरह से सेट कर लिया है। सेट करने के बाद अब इसकी बैक को उठा के कटिंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं इसमें हाफ इंच ही कंधे को ऊपर की तरफ उठाऊंगी। उठाने के बाद इसको इस तरह से सीधी कर लेंगे ऐसे। सीधी करने के बाद अब इसकी यहाँ से कटिंग करेंगे पहले। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। अब ये देखिए, जो मेरी बहन है या भाई है, इसको ये कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे आके कि बाजू को कैसे चढ़ाएं। तो पहले तो ये देखिए, मैंने जो तीरा लिया था इसमें वो 6 इंच लिया था, और आर्महोल है जो वो मैंने यहाँ पे 6.5 इंच लिया था। 6.5 इंच मैंने आर्महोल लिया था, तो उसमें से मैंने फ्रंट में से ही कंधे को डाउन किया था हाफ इंच। समझ में आई आपको, यहाँ से बिल्कुल ही ध्यान से समझनी है ये मैं कैसे आपको समझाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 6.5 इंच का आर्महोल रखा था, तो उसमें से फ्रंट में से ही मैंने हाफ इंच कंधे को डाउन किया था। डाउन करने के बाद जितना मैंने फ्रंट से डाउन किया उतना ही मैंने बैक में उठा के कट कर लिया है। जितना मैंने फ्रंट में डाउन किया उतना ही मैंने बैक में उठा के कट किया है। तो हमारा आर्महोल जितना हमें कटिंग चाहिए ना उतना ही है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा। क्योंकि ये देखिए, जब हम इसको यहाँ से स्टिच करेंगे तो इस तरह से आएंगे हमारे शोल्डर। जो ये हम बैक को उठा के कटिंग करते हैं ना, ये आगे की तरफ इतना बढ़ के आएगी। और ये क्यों आएगी, ये उस साइज के लिए ज़्यादा है जिसके नेक है फ्रंट और पीछे की तरफ जाता है। क्योंकि हम बैक को इस तरह से उठा के कटिंग करते हैं, जब ये पट्टी इस तरह से आएगी ना, हम स्टिच करेंगे, जो ये सिलाई है हमारी वो सेंटर में आती है। ये सेंटर के बजाय ना सेंटर से मड़ी इसी नीचे की तरफ आएगी इस तरह से, ताकि उसका गला पीछे की तरफ ना जाए। यहाँ पर आपको समझ में आया अच्छे से, अगर एक बार में ना समझ में आए आप बार बार वीडियो को देखें, आपके समझ में आ जाएगी कि कैसे मैंने जो हम ये तीरा लेते हैं। सिर्फ ये नहीं है, मैंने भाई फ्रंट से भी मैंने उतना ही रखा और एक्स्ट्रा लेके फ्रंट से वो डाउन किया है।
जो मेरा आरमोल है फ्रंट का उसी में से मैंने डाउन किया है और जितना डाउन किया उतना ही मैंने बैक में बढ़ाया है, तो मेरा आरमोल जितना लिया है मैंने उतना ही है। आई यहाँ पे आपको कोई और डाउट है तो फिर आप मेरे पास कमेंट करें। अगर आप कंधी को जोड़ोगे तो कंधी तो सेम वैसे ही जुड़ेगी जैसे हमारे कुर्ती सूट की जोड़ते हैं, कंधी सेम वैसे ही आएंगी। सिर्फ हमारा क्या होगा, जो ये सेंटर आता है, सेंटर यहाँ पे आता है, ये मड़ाहा नीचे की तरफ आएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपके अगर आपका नेक पीछे नहीं जाता तो आप सेम दोनों को बराबर कट कर सकते, बैक को भी और फ्रंट को भी यहाँ से हाफ इंच डाउन कटिंग कर सकते हो। आपको समझ में आया, मैंने बिल्कुल ही आसान से मेथड से आपको ये समझाया है। अगर आपको फिर भी डाउट लगे तो मेरे पास कमेंट करें, मैं आपको और भी से आसान से तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।